सो आज के इस वीडियो में MIS एग्जीक्यूटिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आपको जज करना है क्या आप इसे कर पाते हैं। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम कैलकुलेशन के ऊपर। ध्यान से समझना, एज फॉर गिवन डेटा कैलकुलेट टोटल आवर्स, राइट? यानी यहाँ टोटल आवर्स कैलकुलेट करना है। नोट, यूजर एंटर इन टाइम एंड आउट टाइम एज HHMM विदाउट AM PM, राइट? जैसे यहाँ पे इसने क्या लिखा है, 7 AM। देखो यहाँ लिखा है टाइम इन AM, तो ये यूजर जो आएगा कैसे टाइप करेगा, क्योंकि 7 AM है तो 07:00 ऐसे टाइप करेगा। आउट टाइम यहाँ लिखा है, भले यहाँ तो PM लिखा है लेकिन यहाँ उसने PM नहीं टाइप करना, यहाँ 8:00 ऐसे PM टाइप करेगा। ब्रेक कितने घंटे का, मतलब कितने मिनट का ब्रेक हुआ, तो 00:30 आवर मिनट होता है HHMM। तो ये अब यहाँ टोटल आवर आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर इसको दिस माइनस दिस, तो जैसे माइनस करोगे तो ये तो 1 आवर आ जाएगा। 1 आवर तो नहीं हुआ ना, AM है और 8 PM है, तो कितना घंटा हुआ, 7 से 7 PM हो गया, कितने में, 7 AM से 7 PM, 12 घंटा, 13 घंटा, और आधा घंटा ब्रेक लिया तो 12:30 आंसर आना चाहिए कि नहीं। तो टोटल आवर्स कितना हुआ ये मुझे निकालना है, राइट? क्योंकि ब्रेक भी लिया, 30 मिनट का ब्रेक लिया तो माइनस हो जाएगा ब्रेक, राइट? 13 घंटे में से आधा घंटा और माइनस हो जाएगा, तो 12 आवर्स 30 मिनट इसका टोटल वर्किंग आवर होगा, राइट? तो ये चीज़ें कैसे करेंगे, अब चीज़ों को समझो। देखो टाइम की वैल्यू क्या होती है, डेसिमल में होती है। जैसे अगर मैंने लिखा, जैसे मान लो तुमने लिखा 12 PM, तो 12 PM ऐसे आपने तुमने लिख दिया, तो इसको जब जर्नल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.50 आएगी। ये देखो 0.5 आ गई, क्योंकि जैसे मैंने लिखा अगर 12 AM मैंने लिख दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने 12 AM लिखा, राइट, 12 AM मैंने लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि रात को 12 AM तो रात को होगा, तो रात जैसे होगा तो उसके बाद ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो जैसे 11 PM होता है तो 0.50 हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो जर्नल करूँगा तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, देखो, राइट? 12 AM की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो 12 PM की वैल्यू 0.50 हो जाती है। तो 12 के बाद फिर क्या होगा, 13, 14, 15, जैसे रेलवे का टाइम, राइट, 1, 2 अगर होगा तो 0.50 से, जैसे मान लो आपने लिखा 1 PM लिखा, तो 0.50 से ज़्यादा होगी जर्नल में करेंगे, तो देखो 0.54 समथिंग हो गई, राइट? तो यानी PM की वैल्यू अगर डेसिमल में देखा जाए तो 0.50। टाइम की वैल्यू हमेशा डेसिमल में होती है। जैसे आपने लिखा मान लो 20, रेलवे का टाइम भी लिखा 20:10 मान लो लिखा, तो क्या हो गया, 8:10 PM हुआ। तो इसको जर्नल करेंगे तो क्या होगा, देखना, ये डेसिमल में ही आएगा, 0.84 आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 1 की ओर बढ़ेगा तो रात को 12 AM जैसे होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाती है वैल्यू। इतना समझ में आया? तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ हमने 8, भले यहाँ PM है लेकिन यहाँ एज अ, तो जब आप टाइम लिखोगे तो एज अ AM ही ट्रीट कर रहा है ना, देखो सारे के सारे AM ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ देखो 30 मिनट लिखा है तो AM ही ट्रीट कर रहा है, क्योंकि रात 12 क्यों लिखा है, क्योंकि 12 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 उसके बाद 30, तो 30 मिनट ये क्या कर रहा है, एज अ ट्रीट कर रहा है, यहाँ पे 8 AM ट्रीट कर रहा है, राइट, AM ही ट्रीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम PM कैसे बनाए, अगर यही 20 हो जाता, 8 की जगह 20 हो जाता तो ये काम हमारा हो जाता, इसमें से इसमें माइनस कर दे तो आ जाता। तो यही चीज़ मुझे क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है, राइट? क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस किया, इसको कर लिया दिस, ध्यान सुनना, प्लस 0.50, मैंने क्या बोला, क्योंकि 8 बजे यानी 12 बजे के बाद ही करेगा AM, जब आउट करेगा तो ऐसा नहीं कि 2-3 घंटा जॉब करेगा, 12 बजे के बाद ही होगा AM, तो उसमें हम PM जोड़ देंगे, PM दैट मीन्स हमने क्या जोड़ दिया इसमें, 0.50, यानी PM हो गया और 8 घंटा ही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, देखो 20 हो गया, 0.50 मैंने जोड़ दिया, 12 घंटा जोड़ दिया और 8 घंटा और, तो 20 हो गया, यानी रेलवे का टाइम, तो 20 दिस हो गया, तो ये 20 हो गया, और इसको मैंने क्या किया, माइनस ये कर दिया, तो क्या हो गया, 13 घंटा आ गया, जोड़ लो 7 AM से और 8 PM में माइनस करोगे, हटाओगे तो कितना वर्किंग आवर निकल के आएगा, 13 घंटा, 7 AM से 7 PM क्या हो गया, 12 घंटा और 8 एक 13 घंटा, तो इसी में माइनस के आगे एक और काम कर दो, दिस प्लस इसको भी जोड़ दो 30 मिनट को, तो
12 आवर 30 मिनट, ये इसका टोटल आवर्स निकल के आ गया। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसी तरह आप अगर आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, राइट, आप चाहते हैं कोई आपको सपोर्ट करे, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। MIS एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन सीरीज भी है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और बहुत सारे हमारे कोर्स भी हैं जो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या आप गूगल क्रोम पे lmecs.courses.store टाइप करेंगे तो यहाँ आपके हमारे यहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस, एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जो आप बड़े बड़े फॉर्मूले, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले नहीं समझ में आते वो भी समझ में आने लगेंगे, क्योंकि अरे का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं सिखाया जा रहा। तो ये आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, ऐप पर भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और डेस्कटॉप पर भी, और लाइफ टाइम सपोर्ट है जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट भी सॉल्व कर सकेंगे। इस तरह पावर बी आई का कोर्स है, VBA का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, MIS एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन है, और आप यहां आपको पर्सनल सपोर्ट भी मिलने वाला है, आप अपने पर्सनल डाउट भी पूछ सकेंगे। तो ये सारे कोर्स ज्वाइन करके आप अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।